साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में बात करेंगे और उसमें हम बहुत सारे जो हमारे समस्याएं, सुझाव और उनको उनका निदान एक एक करके बताएंगे। तो बने रहिएगा आखिर तक, क्योंकि हर क्षण एक नई जानकारी उस पौधे के संबंध में मिलेगी। तो हम आइए बात करते हैं उस पौधे की। देखिए, पहले मैं उस पौधे को दिखाता हूँ, वो कैसा खूबसूरत पौधा है जिसका हमें समायोज करना चाहिए। और सबसे पहला जो मेरा सुझाव होगा, जो मेरा आपको सजेशन है कि आप अगर अपने घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, चाहे वो फ्रंट गार्डन है या आपका बालकनी है या टेरेस गार्डन है, इस खूबसूरत पौधे को जरूर अपने घर में, अपने गार्डनिंग में इसका समावेश करिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा पौधा है, वो कौन सा फूल है, वो जिसको इतना खूबसूरत मैं बता रहा हूँ। तो आइए मैं दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी नाम की पट्टी का पे लिखा है प्रीमुला। प्रीमुला एक पेरिनील पौधा है और ये बड़ा ही खूबसूरत पौधा है। इसका समावेश हमें अपने गार्डन में जरूर करना चाहिए। तो साथियों, पहला मेरा जो सुझाव है कि हम अगर कोई अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग का शौक रखते हैं, हम प्लांट लवर्स हैं, तो प्रिमला, जिसको प्रिमरोज भी कहते हैं, देखिए मैंने दो इसमें नाम की पट्टी का लगाई है, एक है प्रिमुला और दूसरा है प्रिमरोज, ये दोनों एक ही है। ये जो नाम की पट्टिकाएं हैं ये मंगा लीजिए। अब दूसरा मेरा ये सुझाव है कि आप ये पट्टी का छोटी छोटी मंगा लीजिए, अमेजोन से मिल जाती है, बहुत महंगी नहीं मिलती है। ये 100 मैंने मंगाई थी और करीब ऐसी 200 रुपए की शायद थी ये। तो देख लीजिएगा अमेजोन पे जाके, ये पट्टी का अगर हम मंगा लेते हैं तो हर पौधे में अपने गार्डन में एक शो बढ़ाती है, एक अच्छा लगती है। तो ये पट्टी का दूसरा मेरा यही सुझाव था। पहला सुझाव मेरा ये है कि आप इसका पौधे को जरूर लाइए। जड़ी बूटी वाला पौधा एक तरह से ये है प्रिमुला, जिसको हम प्रिमरोज भी कहते हैं। और खूबसूरत, देखिए कई कलर में इसके फ्लावर्स आते हैं, अलग अलग कलर में आप देखेंगे इसके फ्लावर्स आते हैं। तो इसको जरूर रखिए, तो ये सुंदरता आपके उसकी बढ़ाएगा। और दूसरी आपने दूसरा सुझाव मेरा था कि अगर आपने ये पट्टी का लगा दी तो आपके गमले का एक लुक ही अलग आ जाएगा। इसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं, देखिए साथियों, कि हम नर्सरी जाते हैं। नर्सरी से अब अगर हम जाते हैं, सर्दियों का मौसम है, अब जाते हैं, इस समय ये पूरी तरह खिल रहा है ये पौधा, और हम ये करीब 1 महीना पहले इनको लेके आए थे, हमने ये लाके अपने यहाँ पर रखे हुए हैं, हमने इनकी रिपोर्टिंग नहीं की है। तो मेरा ये अगला जो सुझाव है यही है कि इस समय अगर सर्दियों में आप इस पौधे को ला रहे हैं तो अच्छा सा गमला गमला देख के लाइए, अच्छे से साइज का, और उसके अभी सर्दियों में रिपोर्टिंग मत करिए। जब गर्मियों में ये डोरमेंसी में जाता है पौधा, तब इसको आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी इसको ऐसे ही चलने दीजिए, हमने इसको कोई रिपोर्टिंग नहीं की प्रेमला की, इसको हम ऐसे ही रखे हुए हैं। अच्छा सा हमने एक गमला लाए हैं और देखिए गमले में हमने ये पट्टी का लगा दी। दूसरा एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये किचन में साफ करने के लिए वाइपर मिल जाता है, एक छोटा सा ये रखिए। हमारे गमले जनरली जब पानी वानी लगाते हैं थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो इसको ऐसे इसको साफ कर दीजिए। इसको हम साफ करें तो बड़ा आसानी से जरा सा गिल्ला करके इसको साफ कर दीजिए, सुंदर जाती आती है हमारे गमलों में। ये देखिए कितना अभी गंदा सा ये तो है ये, और ये देखिए 1 मिनट में एकदम चमक जाता है आपका। साथियों, अभी हमें ध्यान ये रखना है कि हम नर्सरी से ले आए अपने पौधे को, हमने रख दिया, हमने उस नाम की पट्टी भी लगा दी, हमने एक ये वाइप वाला ये भी ले लिया जो किचन में हम जानदारी रखते हैं, उसकी साफ सफाई हम इसको करते हैं। बात इसमें सबसे पहले ये आती है कि पानी, पानी जनरली लोग क्या करते हैं, ऊपर से छिड़क देते हैं। ऊपर से पानी नहीं छिड़कना, हमें मग से छिड़किए या छोटी सी बोतल जैसी है, मैंने पानी की एक छोटी सी बोतल ली है, इसको धीरे से गमले में डालना है, अंदर पत्तियों पे नहीं देना, हल्का सा पानी ऐसे देना है। अब ये देखिए इस पौधे को पानी में ये देखना, इसकी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और अंडर वाटरिंग नहीं है, पानी चाहिए इसको। तो मिट्टी को देख लीजिए, मिट्टी इसकी अगर नमी है तो तब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको पानी चाहिए। तो इसको हमें ध्यान ये रखना है कि इसके गमले के नीचे देना। दूसरा, जहां तक मिट्टी की बात है,
जब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो ये पौधा जो अच्छी हमारी ह्यूमस रिच सॉयल होती है, वेल ड्रेन सॉयल होती है, वो चाहिए, जिसमें जीवांश ऐसी मिट्टी चाहिए। किसी भी मिट्टी में हो सकता है, क्ले वगैरह भी में भी हो सकता है, सैंडी सॉयल में भी हो सकता है, लेकिन इसको ह्यूमस रिच सॉयल चाहिए। तो क्योंकि ये अच्छी ब्लूमिंग करता है, अच्छा खिलता है सर्दियों में। और आप ये देखो, कई बार ये होता है कि कितने दिन खिलता है, तो ये मान के चलिए जब सर्दी शुरुआत होती है तो ये पौधा खिलना शुरू कर देता है, और ये सर्दी की समाप्ति तक लगभग 5-6 महीने खिलता रहता है। 6 महीने अगर केयर करेंगे तो 6 महीने तक ये खिलता रहता है। और उसके बाद इसमें जो आपके फ्लावरिंग बीज बन जाते हैं, ये बीज से हो जाता है पौधा। ये पौधा बड़ी तेजी से अपना बढ़वार करता है, पूरे गमले को घेर लेता है। जब ये आपका पौधा फ्लावर देना बंद कर देगा, इसमें बीज बनेंगे, बीज रख लीजिए और आप बरसात में बीज बो सकते हैं, या इसी की जड़ों को साफ करके, पेरिनियल पौधा है, साल दर साल चलता रहता है, इसकी जड़ों को हटाइए, साफ करिए, रिपोर्टिंग करिए, अगले साल फिर शुरू हो जाएगा। तो ये दो हमें अगला जो हमारा सुझाव था यही था कि रिपोर्टिंग हमें गर्मियों में करनी है, और इसके सीड से भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं, ये भी कर सकते। इसके अलावा पानी की जैसे मैं बात कर रहा था, इसमें ज्यादा पानी अगर आप दे देंगे तो दो दिक्कतें बहुत आती हैं। एक क्राउन रोट लग जाता है इसमें, दूसरा रूट रोट लग जाता है। क्राउन रोट मतलब क्राउन रोट जहां पे हमारी जड़ें निकलनी शुरुआत होती है पौधे के तने से, वहां पे गलन हो जाती है, तो वो पानी भी। तो उसके लिए हमें ये है कि हम, और इसके अलावा कुछ, हालांकि जड़ी बूटी का पौधा, इसमें कीट रोग बहुत ज्यादा नहीं लगते, लेकिन वही हाँ, अगर कहीं आपको लगे कि मिल्ड्यू वगैरह आ रहा है और तो आप इसमें, और आपको ये दिक्कत है तो फफूंदी नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फंगीसाइड है, फंगीसाइड ले लीजिए, हैं 102 ग्राम थोड़ा सा लीजिए, 1 लीटर पानी में मिलाइए, और उसका हम इस तरह स्प्रे कर सकते हैं, ऐसे स्प्रे कर सकते हैं उसको। तो ये स्प्रे कर दीजिए इसका, अगर आपको शंका है कि इसमें कुछ लग रहा है, पत्तियां गिरा रहा है पौधा, तो हल्के से तो बस इसका आप स्प्रे कर देंगे, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें नीम ऑयल को हमें, ये नीम ऑयल रखना चाहिए पौधों के लिए, इसको पानी में मिला के और थोड़ा सा सर्फ वगैरह, जिससे पत्ती पर अच्छे से चिपक जाए, साबुन सर्फ को हल्का सा डाल लेना चाहिए, जिससे पूरी पत्ती पे ये फैल जाए, तो उसको नीम ऑयल का हमें इस बीच बीच में स्प्रे कर देना चाहिए। और साथियों ध्यान ये रखना कि ये जो जितने भी रसायन होते हैं बड़े हानिकारक हो सकते हैं, तो जब भी आप स्प्रे करें तो ऐसे ही जो मिल जाते हैं बाजार में, आप कलर करने के लिए लाते हो वह मिल जाते हैं, तो इसका ले लीजिए। आप किसी केमिकल को छू रहे हैं, आप स्प्रे मशीन को छू रहे हैं, क्योंकि स्प्रे मशीन में लगे रह जाता है, तो ये जरूर अपने दस्ताने पहन लीजिए। और खास करके जो जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं उनमें भी कई बार होता क्या है कि हाथों में जलन हो जाती है, अगर पत्ती को छूए तो हाथों में जलून हो जाती है, किसी के फोले हो जाते हैं जो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो ये जरूर हमें पहन लेना चाहिए, थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। तो ये दूसरा मेरा ये सुझाव ये था। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, नाम की पट्टी हमारी है, इसके लिए मैंने एक मार्कर भी है, परमानेंट मार्कर ला सकते हैं, तो हम ये पौधे क्योंकि लगाते ही हैं तो आपकी ये पट्टी का काम आती रहेगी, तो उससे एक हमारी सुंदरता बन जाती है। तो मैंने पानी का बता दिया, सॉयल का आपको बता दिया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगला सुझाव मेरा इसमें है कि इसकी हमें जो फ्लावर, ये कई बार क्या होगा, फ्लावर को ये सूख जाएगा, फ्लावर सूख जाएगा या पत्ती सूख जाएगा, छोटी कैची रखिए, जो जो हमारे इसकी पिंचिंग करनी होती है, पिंचिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लावर देखेंगे तो बहुत सारे फ्लावर इसमें, जो फ्लावर आपको लगे ये अब सूख सा गया, तो इसको नीचे से आराम से यहां से, ये देख रहे हैं आप, ये डाली सी एक दिख रही है नीचे, इसको यहां से हल्के से ऐसे काट लेंगे, ये हमने काट दिया, तो इसकी अगर पिंचिंग करेंगे तो ज्यादा इसमें फ्लावर निकलते हैं, सूखे हुए निकाल दीजिए, सूखे फ्लावर को, सूखी जो पत्ती है हमारी, जो पत्तियां सूख जाती हैं उनको निकाल दीजिए आप यहां से, मान लीजिए, क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि वो भी अगर उसमें लगी है विल्ट वगैरह या कोई आप फंगस लगी है तो वो आपको बाकी पत्ती में भी कर देगी, तो इसको हमें काट देना चाहिए।
तो ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट चीज जो इससे संबंधित हैं, ये जो हमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं, पहला तो ये यही है कि आप सही पॉट का चयन करें, दूसरा हमें हेल्दी सॉइल, न्यूट्रिशनल सॉइल हमें रखनी है पॉट में, तीसरा इसको टेम्परेचर जो है कूल चाहिए, ठंडा चाहिए, जो सर्दियों में इसको मिलता है, ब्राइट लाइट चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट, सीधी सनलाइट नहीं इसको पौधे को चाहिए, तो इसको ये सेमी शेड को पसंद करता है पौधा, तो वो रखिए। और पानी जैसे मैंने बताया, जब जरूरत है तभी देना, बहुत ज्यादा नहीं देना। इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, फर्टिलाइजर का बहुत कम देना है, जैसे एनपीके आता है हमारा 15-15-15 का, उसको स्प्रे कर सकते हैं बीच बीच में। तो ये हमारी बहुत सारी पिंचिंग हमारी बहुत जरूरी है, पत्तियों की भी और फूलों की हमें पिंचिंग करते रहेंगे तो ज्यादा ग्रोथ देगा। तो ये हमारी कुछ बहुत जरूरी चीजें थी, टिप्स थी हमारे, एसिडिक सॉइल में बहुत अच्छा हो जाता है पौधा ये, तो इन चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा ये पौधा बहुत ही अच्छा खिलेगा, और ये पूरी सर्दियों हमें फूल देता है, ये सर्दियों की शुरुआत में ही खिलना शुरू हो जाता है और गर्मियों तक चलता है, गर्मियों में फिर डोरमेंसी में चला जाता है। तो उसके सीड को बचा के रखिए, अगले बोइएगा और फिर रिपोर्टिंग करिए गर्मी में। तो यही महत्वपूर्ण बिंदु देते हैं। थैंक यू साथियों।